यूपी में भाजपा विधायकों का हो रहा घेराव। एक बार फिर किसानों ने नेताजी को घेर लिया। भाजपा विधायक को दिखाए काले झंडे। मुर्दाबाद के नारों के साथ किया स्वागत। हंगामे से नेताजी का मूड हुआ खराब। विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन सत्ताधारी नेताओं के लिए मुसीबत बनने लगा है। रविवार को मेरठ में किठौर विधानसभा से भाजपा विधायक सत्यवीर त्यागी का किसानों ने जमकर विरोध किया। भाजपा विधायक पसवाड़ा गांव में जब एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, तभी किसानों ने काले झंडे लेकर विधायक के काफिले को घेर लिया। विधायक के काफिले में 5 गाड़ियां थी, लेकिन किसानों के विरोध के चलते विधायक गाड़ी से नहीं उतरे। जानकारी के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ता विशाल चौधरी ने गाँव में दौड़ का आयोजन किया था। विधायक सत्यवीर त्यागी को इस कार्यक्रम में फीता काटना था। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव में पहुंची, किसान मौके पर जमा हो गए। किसानों ने काले झंडे लेकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। आधा घंटे तक गांव में हंगामे की स्थिति बनी रही। पसवाड़ा गांव जाट बाहुल्य गांव है। जब किसानों ने विरोध कर काले झंडे दिखाए, तो भाजपा विधायक के ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। गाँव में खूब हंगामा हुआ। किसान झंडा लेकर विधायक की गाड़ी के पीछे भागते रहे, जिसमें युवकों ने गालियां भी दी। किसानों ने भाजपा मुर्दाबाद और जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पसवाड़ा गांव के रहने वाले 65 वर्षीय रामपाल का कहना है, गांव किसानों का है, यहां भाजपा नेताओं के लिए जगह नहीं है। इस बार के चुनाव में भाजपा नेताओं को सबक सिखा देंगे। वहीं भाजपा विधायक सत्यवीर त्यागी का कहना है कि मैं पसवाड़ा गांव में गया था, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता के यहां कार्यक्रम था, कुछ युवकों ने विरोध किया। हमारे साथ विशाल चौधरी व पूर्व प्रधान मनोज चौधरी के साथ अभद्रता भी की गई।